रिसेंटली गाइस पबजी मोबाइल के इंडिया में वापस आने को लेके बहुत सारे रूमर्स एंड न्यूज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज पे बात कर लिया जाए। और क्या सच में पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आएगा, सब कुछ पे बात करेंगे विद प्रूफ। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी एंड या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज एंड रूमर्स के बारे में। तो देखो एक्चुअल में पबजी मोबाइल के इंडिया में कमबैक को लेके कोई भी न्यूज नहीं है, बट रूमर्स काफी है। सो आपको याद होगा ईयर 2020 में इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर का क्लैश हुआ था गलवान वैली में, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप लिया था, जिसमे उन्होंने काफी सारे चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया था एंड चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह के इम्पोर्ट को भी बैन किया था एंड अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करना चालू किया था। एंड इसी बैन के फेस में ईयर 2020 में पबजी मोबाइल एंड काफी सारे एप्स इंडिया में बैन हुए थे। सो रिसेंटली कुछ मीडिया हाउसेस ने एक न्यूज पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गलवान वैली को लेके अब चीजें थोड़ी स्टेबल हो गई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड ये दो कंट्रीज अब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक साथ काम भी कर सकती है, विच मीन्स कि अब इंडिया में चाइना के कुछ पुराने बैंड एप्लीकेशन वापस रीलॉन्च हो सकते हैं एंड मे बी प्रोडक्ट्स वगैरह के थोड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी चालू कर दिया जाए। तो यही से रूमर्स निकल के आए हैं कि पबजी मोबाइल जो कि 2020 में बैन हुआ था वो भी वापस इंडिया में अनबैन या फिर कहे तो रीलॉन्च हो सकता है। इनफैक्ट और भी गेम्स एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी वापस आ सकते हैं। बट गाइस ये बस रूमर्स है, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट ना करें। तो देखो टेंसेंट एंड इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो काफी लोग सोचते हैं कि टेंसेंट कंपनी इंडिया में बैंड है, इसलिए पबजी मोबाइल का वापस इंडिया में आना इम्पॉसिबल है। तो देखो टेंसेंट तो इंडिया में बैन नहीं है, बट टेंसेंट गेम्स के गेम्स इंडिया में बैन है ना। अगर टेंसेंट इंडिया में ऑफिस वगैरह सेटअप करे एंड इंडियन स्टूडियोज में और भी इन्वेस्टमेंट करे एंड इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, तो शायद टेंसेंट के अपकमिंग गेम्स इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं एंड उसके पुराने बैंड गेम्स लाइक पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, साइबर हंटर, नाइफ आउट एटसेट्रा भी शायद इंडिया में वापस आ सकते हैं। क्योंकि देखो यार टेंसेंट के तो काफी इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है लाइक स्विगी, ओला, फ्लिपकार्ट, ड्रीम इलेवन एटसेट्रा। सो यस टेंसेंट तो इंडिया में बैन नहीं है एंड अगर इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो टेंसेंट के अपकमिंग गेम्स भी इंडिया में आसानी से आएंगे लाइक वैलोरेंट मोबाइल वगैरह, जिनका हम सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। नाउ गाइस कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो देखो डायरेक्ट पबजी मोबाइल का इंडिया में वापस आना लिटरली बहुत मुश्किल है, बट कुछ पॉसिबल चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर बाय टाइम पबजी मोबाइल एंड BGMI के सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे गेम की मैच मेकिंग एंड प्रोग्रेशन दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाए। इससे होगा ये कि हम पबजी मोबाइल के प्लेयर्स के साथ भी मैचेस खेल पाएंगे एंड उनके इन गेम प्रोग्रेशन को भी देख पाएंगे एंड पबजी मोबाइल एंड BGMI दोनों के अंदर एक साथ एक अपडेट वगैरह आ सकती है एंड सेम इवेंट्स भी मिल सकते हैं। या कई लोग कह रहे थे कि हम BGMI की ID को पबजी मोबाइल में लॉगिन कर सकेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये कभी पॉसिबल हो पाएगा। नाउ ये सब बस रूमर्स है, आप इन पे 100% ट्रस्ट ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ भी ना हो, तो आप होप्स मत रखना। नाउ गाइस लास्टली बात करते हैं मेरे ओपिनियन एंड कंक्लूजन की। तो देखो मेरे को नहीं लगता पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आएगा, बट फ्यूचर में मे बी पबजी मोबाइल एंड BGMI के सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे BGMI के अंदर हमें ग्लोबल मैच मेकिंग मिल जाएगी एंड इससे ई स्पोर्ट्स प्लेयर का बहुत फायदा होगा, यानी कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल पाएंगे एंड इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे। इनफैक्ट यार पबजी मोबाइल का इंडिया में वापस आने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि पबजी मोबाइल एंड BGMI ऑलमोस्ट सिमिलियर है एंड दोनों गेम्स के अंदर आपको सेम एक्सपीरियंस मिलता है, तो भाई पबजी मोबाइल इंडिया में आके क्या ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी BGMI एग्जिस्ट करता है जो कि बिल्कुल उसका क्लोन है या फिर कहे तो कॉपी है। लेकिन हाँ गाइस अगर यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के सिचुएशन बेटर होंगे तो डेफिनेटली यार टेंसेंट के और भी गेम्स इंडिया में आएंगे। मैं पर्सनली तो वैलोरेंट मोबाइल के लिए काफी एक्साइटेड हूँ एंड टेंसेंट गेम्स के काफी सारे अच्छे अच्छे गेम्स भी है पुराने
पुराने एंड फ्यूचर में आने वाले जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो यार अगर वो सभी गेम्स इंडिया में आएंगे तो डेफिनेटली यार काफी मजा आएगा एंड काफी सारे गेम्स रहेंगे हमारे इंडियन मार्केट में ट्राई करने के लिए, ना कि केवल BGMI एंड पबजी मोबाइल। बाकी तो हाँ गाइस, इतना ही था आज वाले वीडियो के लिए एंड ये थे कुछ मेरी रिसर्च एंड ओपिनियंस। बाकी यार कमेंट बॉक्स खुला है, अब डेफिनेटली कमेंट में जा करके अपने ओपिनियन मुझे बताना और ये बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आएगा। बाकी बस मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।